तक हम कोई सेवा नहीं करेंगे ठाकुर जी की, तो ठाकुर का प्रसाद कैसे पाए? 3 दिन भूखे रहे 95 साल के महात्मा, देखो हम लोग कितने आलसी हैं, सेवा नहीं करना चाहते। ये 95 साल के महात्मा, कितना उन्होंने भजन किया होगा, कितना पूजन किया होगा, कितना जप किया होगा, लेकिन सेवा करना, ये गिलास की सेवा मुझे होती नहीं थी। बाद में जब वहाँ के महाराज जी को ये पता चला कि महात्मा 3 दिन से भूखा है, हाँ भाई ऐसा करो ना, क्यों इसकी सेवा नहीं करो, ये जैसा इनसे होता वैसे करने दो, गिलास साफ नहीं होता तो कोई बात नहीं, दोबारा कर लिया करो, तुम अपने यहाँ से कर लो, लेकिन उनकी भाव है। तो महात्मा जब करीब 99 साल के हो गए तो तब भी सेवा नहीं छोड़ी उन्होंने, गिलास को साफ, गिलास के अंदर हाथ था, गिलास साफ कर रहे थे, तो साफ करते करते उनके शरीर से आत्मा निकल गई, अंतम क्षण में भी सेवा ही करते। जब हम यहाँ भगवान की सेवा नहीं करेंगे, मानो को बैकुंठ में चले गया या गोलोक में चले गया, तो भगवान के धाम में कोई चले गया वहाँ आसन लगा के बैठे हो क्या, वहाँ भी तो कोई सेवा करना पड़ेगा। तो यहाँ सीखना चाहिए, यह रिहर्सल हो रहा है यहाँ पर, जो यहाँ भगवान की सेवा करेगा वहाँ भी उसको भगवान की सेवा मिलती है। भगवान कहते भाई इसको कोई पंखा है तो ऐसे पंखा ही चला, उसकी सेवा मिलेगी उसको वहाँ। तो भगवान के सामिप्य में 4 प्रकार की जो मुक्ति होती है, एक सालोक्य है, एक सामिप्य है, एक साहित्य है, एक सारूप्य है, ऐसे 4 मुक्ति है अगर साहित्य में कहा गया। एक सामिप्य जो मुक्ति है वो सबसे श्रेष्ठ बताते हैं। तो सामिप्य माने भगवान के पास में रहना, और जो पास में रहेगा उसी से कहा जाए, जो यहाँ पास में रहेगा उसे कहा जाए ना एक गिलास पानी ले आना, जो बम्बई रहता है उसको थोड़ी कहा जाए यहाँ पानी ले आ, बम्बई से थोड़ी पानी लाएगा यहाँ। सामिप्य जो पास में रहेगा उसी को कहा जाएगा भाई का रोटी ले लो या पानी ले लो या कुछ। जैसे सामिप्य मुक्ति किसकी है, सामिप्य मुक्ति है हनुमान जी की, हनुमान भगवान के पास में रहते हैं। सामिप्य मुक्ति है गरुड़ जी की, गरुड़ जी भगवान के पास में रहते हैं। इनको भगवान इसलिए पास में रखते हैं क्योंकि ये सेवा करते हैं, जो सेवा नहीं करेगा भगवान के किसी लोग में पड़े रहते हो, इससे सेवा जरूर करना चाहिए। सेवा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, अपने शरीर की भी सेवा करो, समाज की भी सेवा करो, परिवार की भी सेवा करो, भगवान की भी सेवा करो और देश की भी सेवा करना चाहिए। सेवा बहुत कठिन है,